के साथ एंटरटेनमेंट की दुनिया से, क्योंकि यकीनन सियासी सितारे बड़ी गर्दिश में हैं, जिसकी वजह से हमने आपको मिलवाया अपने एंटरटेनमेंट के सितारों से और बताया कि वो क्या कहते हैं। लेकिन आजकल एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, इनके ऊपर लोगों का बड़ा यकीन है और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम आपको कुछ खास मेहमानों से मिलवाएं, और काफी ट्रेंड ये बढ़ता जा रहा है एस्ट्रोलॉजी का और टैरो कार्ड्स का, वरदा बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और लोग आई थिंक इस पे डिपेंड करते हैं कि आजकल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और एटलीस्ट मैं भी बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, आपको पता है। आप करते हैं? बिल्कुल, मैं थोड़ा बहुत आजकल शुरू हुआ है, लेकिन पहले नहीं करता था। अच्छा नहीं, मैं तो करती हूँ। वैसे एक तो एक नॉट दैट मच बिलीव कि आप बगैर देखे या बगैर टैरो कार्ड निकाले या पूछे आप कुछ करें ना, लेकिन हाँ कुछ हद तक आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है। और जो आजकल सियासी हालात चल रहे हैं उसमें आई थिंक इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आजकल हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि इमरान खान वजीर आजम के सितारे क्या कहते हैं, क्या हुकूमत रहेगी, जाएगी, क्या होने वाला है, मुआशी हालात कब बेहतर होंगे, महंगाई कब खत्म होगी, कब हम ये कह सकेंगे कि अब हम हुकूमत से मुकम्मल तौर पे मुतमईन और खुश हैं, कब अब हालात सुकून का सांस लेगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। अग्रीड अग्रीड। ये क्या हम आज जान सकेंगे टैरो कार्ड से, वरदा? आज हम जानेंगे, हमारे साथ हैं दी वेरी फेमस टैरो कार्ड रीडर उनसा शाह, ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। पहला सवाल, जरूरी सवाल, इमरान खान के सितारे कहाँ हैं? बिल्कुल, मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन मैं ये बताऊंगी, जब मैंने न्यू ईयर जब ये स्टार्ट हुआ था, नया साल जब ये स्टार्ट हुआ था, तो मैंने कहा था कि फैब मार्च और अप्रैल के जो मंथ्स हैं वो अपोजिशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए, इमरान साहब के लिए जो है बहुत चैलेंजेस होंगे, काफ़ी सारी आपने देखा था, मुश्किल का शिकार होगा सबके लिए, और सियासी माहौल जो है वो गर्म रहेगा, गर्मा गर्मी रहेगी, बिल्कुल आप देख लें आप। वैसे 90% जो टैरो कार्ड रीडर हैं या एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं उनकी पेशेंट गोई सही साबित हुई है। 90% मुझे औरों का नहीं पता, ना याद है मुझे, लेकिन मुझे अपना पता है कि उन्होंने ये बात कही थी कि हमारी तो मुलाकात रहती है, तो उन्होंने भी यही कहा। रीडर्स का क्लब तो नहीं है, सब मिलकर पेशेंट गोइयां देते हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मेरी अपनी, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे इमरान साहब देखें, उनके जो डेट ऑफ बर्थ अगर हम देते हैं 5th October है, और 5 नंबर जो होता है वैसे भी चैलेंजेस होते हैं, स्ट्रगल का जो ये नंबर होता है, अगर न्यूमरोलॉजी से हम इसको देखें, कैलकुलेट करें, तो हमेशा चाहे ये साल हो चाहे नेक्स्ट ईयर हो, उनकी लाइफ फुल ऑफ चैलेंजेस ही रहेगी। तो अभी तो फिलहाल आप ये बताइए कि हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ही यही है भाई। और टैरो कार्ड निकालना उन्होंने शुरू कर दिए हैं। कार्ड देखें, हाई प्रेस्टिस का फर्स्ट कार्ड है, देन एम्प्रेस का कार्ड है, देन 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये फर्स्ट कार्ड जो होता है ये वीक होता है, हाँ वीक गवर्नमेंट जो है वो दिन ब दिन वीक जरूर हो रही है, लेकिन एम्प्रेस का कार्ड ये कहता है कि इस गवर्नमेंट को कोई हिला नहीं सकता, स्टेबल गवर्नमेंट है, और ये मुश्किलात का जरूर शिकार रहेगी जब तक जो है वो इलेक्शंस नहीं हो जाते, दिन ब दिन चैलेंजेस का इजाफा जरूर होता जाएगा, लेकिन जो है मुझे लगता है ये टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट करती हुई नजर आ रही है। अच्छा, उनसे ये भी बताइए कि जैसे आपने कहा कि अभी जो हालात चल रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, जो आपने कार्ड निकाला कि भाई उनको कोई हिला नहीं सकता, तो इसमें क्या खान साहब के अपने खुद सितारे भी जो है उनको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं? फर्स्ट कार्ड जो है इमरान खान साहब के लिए द वर्ल्ड का कार्ड है, उसके बाद है 10 of Cups का कार्ड है, उसके बाद है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अच्छा, ये बड़ी एक इत्तफाक है या एनर्जीज हैं टैरो कार्ड्स की कि बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। मुझे लगता है कि मेंटली चाहे वो भले चैलेंजेस का सामना ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो बहुत मतलब बहुत पुरसकून हैं, पीसफुल हैं, और उनको पता है, बड़ा कॉन्फिडेंट हैं कि मतलब कुछ भी होने नहीं वाला। देखिए ये द वर्ल्ड का कार्ड है, ये मुझे लगता है कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते अपने पूरे टाइम पीरियड में, इनकी ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है, हर चीज़ नज़र आ रही है, यानी कि घूमते फिरते भी नज़र आ रहे हैं, ट्रैवलिंग भी, फाइनेंसेस हैं, हर चीज़ जो है वो पाकिस्तान की देखते हुए नज़र आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई इनसिक्योरिटी है कि गवर्नमेंट मेरी इधर उधर हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड आप निकालेंगी पाकिस्तान के लिए, बताइए पाकिस्तान के हालात कैसे रहने वाले हैं, हमारा मुल्क ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, परेशान होगा खुश होगा अवाम,
कब रिलीफ देख पाएगी? ये सबसे बहुत अहम सवाल है कि आवाम को कब सुकून का सांस मिलेगा। Let's see. देखिए कार्ड्स में आपको पहले शो कर देती हूँ पाकिस्तान के लिए। सिक्स ऑफ सोर्स का कार्ड है फर्स्ट, देन थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, और ये कार्ड बता रहे हैं कि अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन पब्लिक के लिए रिलीफ जो है वो कोई ज़्यादा रिलीफ नहीं, जो एक्सपेक्टेशंस है पब्लिक की के बिल्कुल ऑपोजिट हो जाए या महंगाई उनके मुताबिक कम हो जाए ऐसा नहीं होगा, लेकिन थोड़ी बहुत बेहतरी ज़रूर नज़र आ रही है। तो पाकिस्तान में हालात अप्स एंड डाउन ही रहेंगे, लेकिन बेहतरी नज़र आ रही है। अभी बहुत ज़्यादा क्रुशल जो दिल रखने से थोड़ा सा रखने उनका दिल थोड़ा सा उसे ज़्यादा बेहतरी नज़र आ रही है। कोई नहीं, ये पेशेंट कोई भले गलत साबित हो जाए, नहीं कर सकते, वायरल हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि आवाम को भी जो है प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए। बहुत ज्यादा अगर वो एक्सपेक्टेशंस हाई रखेंगे तो कभी भी वो चीज उनको जिंदगी में जितनी कम एक्सपेक्टेशंस हो जिंदगी उतनी अच्छी होती है, आसान है। उनसे हम सबसे सवाल करते हैं कि आखिर क्यों पीटीआई वो डिलीवर नहीं कर पाई जिन सब बातों को उन्होंने प्रॉमिस किया था, तो ये आपके टैरो कार्ड के मुताबिक वजह क्या है? मैं आपको बिल्कुल कार्ड्स जो आपने सवाल किया है वैसा ही जवाब मुझे नज़र आ रहा है कार्ड्स में। अब देख सकते हैं आप, फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अब देखें, पांच तलवारें हैं। जब पीटीआई के साथ पांच तलवारें होंगी, चैलेंजेस होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, आपस के ताल्लुकात मतलब सही नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात सही नहीं होंगे, तो कैसे उनकी परफॉर्मेंस दी जा सकती है? फिर यहाँ पे फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड भी चैलेंजेस, लड़ाई झगड़े, स्ट्रगल, आपस में ही ये लोग जो है ना, नहीं एक होता है ना कि मुल्क का रूल है ना किसी को ऊपर नहीं जाने देते, सबकी टांगे नीचे खींचते हैं, ऊपर कैसे, मुझसे पहले कैसे चला गया, नीचे लाओ इसको। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि पीटीआई ब्रेक होती भी नजर नहीं आ रही। अच्छा, आगे अभी चैलेंजेस हैं, लड़ाई झगड़े हैं, लेकिन आगे जाके कुछ ऐसी सिचुएशन ज़रूर बनेगी कि ये पार्टी जो है वो आगे फेम और मिलता हुआ नज़र आ रहा है और स्टेबिलिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। थैंक यू सो मच उनसा शाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।